सेकंड रुकना, जरा मैं विंडो ऑफ कर लूँ, आवाज आ रही है। हेलो, चैप्टर का नाम क्या है, कितने पेजेस का है प्लीज देखें, छोटा है। चैप्टर का नाम क्या है, एग्रीमेंट ऑफ वर्क, एग्रीमेंट ऑफ वर्क विद सब्जेक्ट, मतलब क्या है इसका, आप मुझे बता सकते हो? मतलब एक तरीके से कि सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब है वो कैसे यूज। हाँ, बेसिकली बात कर रहा है किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब एग्री करेगी, किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब एग्री करेगी, सिंपल सी बात। अब मैं लिखता हूँ, हमने इतना इतना पढ़ा, हमने इतनी बार पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि जो आई होता है, आई आई के साथ क्या आता है, एम एम आता है। मैं यहाँ पे आई एम गुड, आई एम गुड है ना। लेकिन एक एग्जांपल, एक सेंटेंस ये है, ही एंड आई आर गुड, दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन अभी सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास, सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास के बच्चे के पास जाओगे पूछने के लिए कि बता दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट सही है, तो वो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो वो कहेगा आई के साथ तो एम आता है, आई के आर तो आता नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है, दोनों ही सेंटेंसेस क्या हैं, सही है, दोनों ही सेंटेंसेस क्या हैं, सही है। क्योंकि ये रूल कहीं नहीं होता, ठीक है, ये एक अलग रूल होता है कि आई के साथ हमेशा एम आता है, पर एक रूल ये भी होता है कि सब्जेक्ट देखेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज एम आता है, इज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आता है। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर तो रूल कुछ ऐसे लग रहा है कि इसमें सब्जेक्ट ना सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पर सब्जेक्ट दो हैं, एक ही है और एक क्या है, आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दो हैं, तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है। तो कुछ ऐसा हमें हेडिंग रूल्स हमें समझने हैं यहाँ पर, ठीक है। एक आपका मैं लूँ तो कप एंड प्लेट, राइस एंड करी, ये कुछ पेयर में वर्ड्स होते हैं, ट्राउजर्स, ठीक है। तो इनके साथ तो अब आपको हर जगह पर एस लग रहा है, ट्राउजर्स में एस दिखाई दे रहा है, कप एंड प्लेट आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, पर इनके साथ इजी आएगा, इनके साथ आर आएगा नहीं, क्योंकि इनको सिमिलर समझा जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो बहुत इजी है, पढ़ते हैं जरा। तो क्या कह रहा है, फिर तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट एंड नंबर एंड पर्सन, वो कह रहा है कि पहले तो ये कि वर्ब है ना, वर्ब वो सब्जेक्ट के नंबर से एग्री करनी चाहिए, सब्जेक्ट के नंबर से एग्री करनी चाहिए का मतलब क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इससे एग्री करनी चाहिए। दूसरी बात है ना, क्योंकि वो कह रहा है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो रिक्वायर्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि उसके सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके लिए प्लूरल वर्ब सही होती है, किसी काम का नहीं है, छोड़ देते हैं। ये कुछ भी एग्जाम्पल आ रहा है कि अगर हैरी एंड हिज ब्रदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लास्ट वाला वर्ड नहीं देखेंगे कि अब हिज ब्रदर इज आइडेंटिकल, नहीं, हम पूरा देखेंगे कि पूरे के साथ देखें तो पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, सब्जेक्ट दो है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दो है, तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। ये एग्जांपल दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ पर,
यहाँ पर दो चीजें लगी हैं, तो हमने दो चीजों को क्या बोल दिया? प्लूरल। लेकिन यहाँ पर दो चीजें लगी हुई हैं, यहाँ पर हमने क्या बोला? सिंगुलर। तो ऐसा क्यों? तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये चीज याद रखना है, ठीक है? पहला एक्सेप्टेंस पढ़ देगा, व्हेन टू सिमिलर सब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और द थिंग, द वर्ब इज इन द सिंगुलर फॉर्म। मतलब क्या कहने का? अब जैसे ये जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस माय फ्रेंड एंड गाइड, मैं यहाँ पर हैज भी लगा सकता हूँ, हैव भी लगा सकता हूँ, और दोनों सेंटेंस सही भी हैं। लिखने के केस में दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन अगर हमें उसका मीनिंग देखे तो मीनिंग के केस में एक सेंटेंस गलत हो जाएगा, एक सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा दोस्त और गाइड आ चुका है, मेरा दोस्त और गाइड आ चुका है, तो मैं उसको पता है क्या बिल्कुल लिखूंगा? माई फ्रेंड एंड गाइड हैव कम। लेकिन मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम। अब आपको सोचना पड़ेगा सर ऐसा क्यों? अब उसके दो केसेस हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त और गाइड दोनों अलग अलग पर्सन है, मेरा दोस्त और गाइड दोनों अलग अलग पर्सन है, अगर मैं बोला कि मेरा दोस्त और गाइड आ चुका है, तो दो अलग अलग लोग आए हैं ना, यानी कि प्लूरल हो गए, तो ऐसे केस में हैव आएगा, तो ऐसे केस में क्या आएगा? हैव आएगा। लेकिन मैंने बोला मेरा दोस्त और गाइड आ गए, अब मेरे बोलने की, अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो हमारे दोस्त और डॉक्टर साहब आ गए, अगर आपका दोस्त ही डॉक्टर होता है तो कभी कभी हम बात ऐसे बोल देते हैं कि देखो मेरा दोस्त आ गया, एक डॉक्टर साहब आ गए। दोनों पर्सन है एक ही, दोनों पर्सन क्या है सेम ही, बस आपने उनकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग अलग लिख डाली। एक जगह पे आपने उनके प्रोफेशन के बेस पे लिख डाला, एक जगह पे आपने अपना रिलेशन के बेस पे लिख डाला। तो अगर इंसान सेम है, इंसान अगर क्या है, सेम ही है, तो ऑब्वियस अच्छा इंसान सेम है तो सिमिलर ही आना चाहिए, इंसान सेम है तो सिमिलर आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए सिमिलर। अगर इंसान अलग अलग है तो प्लूरल आना चाहिए। तो ये लॉजिक है, तो भी लिखा हुआ है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट दो हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग है, दो सब्जेक्ट हैं तो अलग अलग, बट वो रेफर क्या कर रहे हैं? सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, वो सेम पर्सन को, तो हम उसको क्या मानेंगे? सेम पर्सन से सेम थिंग, तो हम उसको उसके साथ वर्ब भी कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे, उसके साथ वर्ब भी कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड और गाइड के साथ हैज लिखा हुआ है, यानी सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रेंड और गाइड दोनों ही क्या है? सेम पर्सन। पोइट एंड द स्टेट्समैन, इन द स्टेट्समैन इज डेड, यहाँ पर इज लगा हुआ है, यानी सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पोइट और स्टेट्समैन क्या है? दोनों ही सेम है। तो पहले तो ये एक्सेप्शन जब आपको याद रखना है, और एक्सेप्शन ही लॉजिकल है, मीनिंग को आपको समझना है कि मीनिंग थोड़ा अलग अलग हो जाता है, ठीक है? नोट, इफ द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस, आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस, आर्टिकल एक बार यूज किया गया है, मतलब ये वाला सेंटेंस है द पोइट, तो यहाँ पर द लिखा हुआ है, यहाँ पर तो द लिखा ही नहीं है, है ना? तो इसका मतलब क्या है? द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन, यहाँ लिखा है, लिखा है। अब यहाँ पे तो आप समझ नहीं पा रहे, अगर यहाँ पे तो आप कैसे समझोगे? मतलब एक ही अलग अलग है, आपसे यहाँ पे फ्लब दे दिया है, कैसे फ्लब दे दिया है, आप क्या लिखोगे? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे सर एक ही जगह पे आर्टिकल लगा हुआ है, अगर दो जगह पर आर्टिकल लगा हुआ है यानी दोनों अलग अलग हैं, अगर एक ही बार आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब एक ही इंसान है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या है? जो दोनों के दोनों नाउन है ना, वो रेफर करते हैं सेम पर्सन को, सेम पर्सन को। और अगर आपका आर्टिकल दो बार लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों ही क्या है? दोनों अलग अलग पर्सन हैं, दोनों ही अलग अलग क्या है? पर्सन से हैं, और दोनों के ही केस में अब क्या होगा? वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरा एक्सेप्शन क्या है? पहला तो एक्सेप्शन हुआ कि सब्जेक्ट है ना वो सेम पर्सन को रेफर करते, दूसरा कह रहा है कि दो सब्जेक्ट हैं
अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगल आइडिया को, अब सिंगल पर्सन की बात नहीं किया रही है, अब एक आइडिया की बात किया रही है। पहले पर्सन की बात किया रही थी, अब एक आइडिया की बात किया रही है। अगर सिंगल आइडिया है तो जैसे राइसन करी, तो राइसन करी एक सिंगल आइडिया है, कॉम्बिनेशन है बेसिकली, क्योंकि ऐसा नहीं कि राइस आप अलग खाते हो, करी आप अलग खाते हो, राइस और करी दोनों आप एक साथ खाते हो, तो इसको हम एक सिंगल आइडिया मानते हैं। मैं बेसिकली उसको आइडिया के एक कॉम्बिनेशन बोलना चाहूँगा। तो ऐसे केस में आप क्या लगाओगे, सिंगल आइडिया अगर आपका निकल रहा है तो आप ऐसे केस में उसको क्या मानोगे, सिंगुलर ही मानोगे। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड का मतलब पता है, मतलब समय और तूफान एक तरीके से। सुना, 2 साल का डॉक्टर क्या हो गया। हाँ क्या बोले आप सर, टाइम मतलब तो समय हो गया और टाइड मतलब सर एक तरीके से वो सुनामी टाइप। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन राइस एंड करी के बीच में रिलेशन समझ में आ रहा है ना बेसिकली, तो जी टाइम एंड टाइड में कैसे आपको समझ में आ रहा है। मतलब एक तरह से दोनों चीजें ही किसी भी समय में कभी भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको भी आइडिया समझना है यहाँ पे, क्या कर आइडिया, तो आपको पता है ना सेंटेंस को पहचान, बट सेंटेंस में क्या कह रहा है, वेट, तो वेट से पहचानो क्या टाइम किसके लिए रुकता है, नहीं। क्या पानी में जो लहरें उठती हैं बड़ी बड़ी क्या वो किसी के लिए रुकती हैं, तो दोनों का नेचर सेम है, दोनों का आइडिया सेम है, इसलिए उनको उन्होंने एक रिप्रेजेंट कर दिया है और कहाँ करा सिंगल मान है लिया सर, है। वेट्स लिखा है। हाँ वेट्स कब लगाते हैं वर्ब में, एस ई एस कब लगाते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ। हाँ गलत बोल रहे हो, प्रेजेंट टेंस आपका बी क्या मतलब, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स होता है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं, और अगर हमारा प्लूरल नाउन है तो वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते हैं। लिख लो किस सर जगह पर पहले अगर वाले आपको नहीं पता तो, सेंटेंस के अंदर वो सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं फिर से आपके यहाँ पर टेंस वीक हो गए, अदरवाइज आग क्या फिर पूछ रहा था। हाँ चलो अच्छी बात है, इसमें हमें लगेगा अच्छा लगेगा। ठीक है तो दो तो आपने पढ़े, और क्या लगते हैं उन्होंने हेडिंग करके नहीं दिए, फिर अलग अलग पॉइंट दे दिए। चलो ठीक है ठीक है, अब क्या कह रहा है, दो एक्सेप्शन दे दिए, वो क्या कह रहा है, इफ टू सिंगुलर नाउंस, दो सिंगुलर नाउंस को ज्वाइन कर रहे हैं हम किससे, एंड से, ठीक है, और उनसे पहले हम क्या वर्ड लगा रहे हैं, ईच या फिर एवरीथिंग एवरी, तो हम वर्ब को हम क्या मानेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर ही मानेंगे। अब यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे एज्यूम करने वाली बात है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर हम मान रहे हैं, यहाँ पर हम मान रहे हैं, तो वो कह रहा है कैसे कैसे हम वर्ब को क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, यानी ईच एंड एवरी अगर किसी वर्ड से पहले आ रहा है, अगर दो सिंगुलर नाउंस है ना जॉइंट बाय एंडेड हैं और उनके पीछे क्या वर्ड आ रहा है, ईच एंड एवरी वर्ड आ रहा है, तो ऐसे कैसे हम वर्ब को क्या मानेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे। ठीक है जैसे यहाँ पे एवरी वर्ड लिखा हुआ है, फिर बाद में दो अलग अलग चीजें देती हैं, ईच लिखा हुआ है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग अलग चीज दे दी गई है, पर उनको क्या बनाया गया है, सिंगुलर ही माना गया है। फिर कह रहे हैं वेन टू आर मोस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और, बट नाइदर नॉर आइदर और आ सिंगुलर वर्ब फॉर्म, अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज रिक्वायर्ड। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे वर्ड, कि अगर आपका सेंटेंस एंड की जगह किससे कनेक्टेड है, और से या फिर बट से या फिर नैदर और से या फिर आयदर और से, तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है ना, ईच एंड एवरी ध्यान भी रहेगा, यहाँ पे लॉजिक भी सिंगलनेस बताता है, लेकिन ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नोट इसी का, अब इस एक्सेप्शन के एक और एक्सेप्शन है, When subjects connected or nor are of different numbers, the verb should be plural and plural subject should be placed near the verb. वो क्या कह रहा है? अगर
सब्जेक्ट कनेक्टेड है, सब्जेक्ट कनेक्टेड है, और से और नॉर्थ से, और से और नॉर्थ से, ठीक है। लेकिन वो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं का मतलब क्या है, जैसे एक सिंगुलर है, एक हाँ जैसे यहाँ पर तो दोनों केस में क्या है, सिंगुलर सिंगुलर है, यहाँ पर भी 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 सिंगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल प्लूरल है, प्लूरल है दोनों। नहीं ये प्लूरल नहीं, जेम्स, ये नाम है प्लूरल है, ये नाम में आपको लग रहा है कि प्लूरल है, पर ये तो सिंगुलर ही है, ये सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है जैक, ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है। तो ऐसे केस में आपको फिर वर्ब कैसे लगानी पड़ेगी, प्लूरल लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट और कह रहा है वो, ये टू किस चीज का कह रहा है ये, अच्छा पहला एक्सेप्शन टू कहाँ से आया ये, अच्छा ये इसी नोट के बता रहा है, वेन द सब्जेक्ट से ज्वाइंट बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पीपल, अगर डिफरेंट डिफरेंट पीपल ही हैं, प्रॉपर नाउन पे चला गया, आर ऑफ डिफरेंट पीपल द वर्ब एग्रीज विद द, क्या लिखा हुआ है देखना जरा, वन है वन ना, वन नियरेस्ट टू इट, आप इसको सिंपल लिख लो लास्ट, आप इसको लिख लो लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट उसको काट के पूरे को, यानी कि अगर आपका और नॉर कैसे आ रहा है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग दिए हुए हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पीपल दिए हुए हैं, इसको आप प्रॉपर नाउन, आपको ही भी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, ठीक है, आपको आई भी दिया हुआ है, कोई और प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, लेकिन वो सेंटेंस किससे कनेक्टेड है, और से नॉर्थ से, तो ऐसे केस में पता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है है उसके अकॉर्डिंग, और सपोज को नॉर दिया ही नहीं है, नॉर दिया ही नहीं है, तो हम ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, फिर तो हम ये रूल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर और या नॉर लगा हुआ है तभी हम ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। इसका क्या भी हम नहीं कर रहे, पहले इतने के ऊपर एक्सरसाइज देखते हैं जरा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे दिए हैं, क्या पता कंफ्यूज हो जाएंगे हम। मैं माफ कर रहा हूँ, वो भी आप ट्राई करना, ठीक है, बेस आप और भी कर सकते हो, पर हम एक करके आगे बढ़ेंगे, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, नाइन्थ वाला, टेन वाला, बस ये हैं 5 सेंटेंसेस हैं, ये करो। सर ये जो 10th है ये हम नहीं कर सकते क्योंकि सर ये इसके अगला पॉइंट है जो हमने छोड़ा है। हाँ कर सकते हो, ठीक है, आप उसको सेम आईडी से भी कर सकते हो, चलो ठीक है, आप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाकी कर लिया आपने, एक और मैं आपसे रीजन ही पूछूंगा, ठीक है।
ये थर्ड और फोर्थ वाला तो आना थर्ड और फोर्थ वाला आपको नहीं आ रहा, ठीक है, और आगे फिर बाकी आ गया। बाकी आ गए, मुझे बाकी बताओ। सर फिफ्थ वाला टाइम एंड टाइट बेस और नॉर्म है। यहाँ पे हमने वेट्स लगाया, इसका रूल बता दो, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर? सर जो पहले वाले का जो बी वाला एक्सेप्शन था। सेम आइडिया वाला ना, ठीक है। नाइन्थ वाला क्यों? सर नाइन वाले में आएगा टेस्ट, हाँ क्योंकि सर हमारा आर्टिकल था एक ही के आगे लगाया, तो मतलब सेम पर्सन को ही तो रेफरेंस। दोनों ही सेम पर्सन है, ठीक है। अभी हमने नैदर नॉर वाले, नैदर वाले और एवरीवन, ईच एंड एवरी वाले पढ़े थे हमने, ईच एंड एवरी वाले, ये उस वाले रूल है। ये यहाँ पे एवरी अलग नहीं दिया, एवरी वन के साथ दे दिया है, आप कंफ्यूज हो गए। एवरी वन के साथ कंबाइंड देते तो आप एवरी के साथ कंफ्यूज हो गए। हमने क्या पढ़ा था, एवरी के साथ हम ईच एंड एवरी वर्ड अगर कहीं पे लगा हुआ है तो हम उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका बनेगा एवरीवन, एवरी वन ऑफ द ग्रुप वॉज प्रेजेंट, ग्रुप में सभी लोग क्या थे, प्रेजेंट थे, है ना, वॉज प्रेजेंट। और नैदर ऑफ माई ब्रदर्स, कोई मेरा कोई भी भाई कार में नहीं है। नैदर ऑफ माई ब्रदर्स, नैदर ऑफ माई ब्रदर्स हैज एनी कार, मेरे किसी के पास कोई कार, किसी भाई के पास कोई कार नहीं है। फिर ये यहाँ पर तो हमने हमें क्या पता है, नहीं है। नहीं पढ़ा। अब आपके मैं देखूँ अलग से कोई रूल दिया है, क्योंकि यहाँ पर नैदर जाए, नैदर नॉर नहीं दिया होगा, नहीं उसी का पता जाएगा, नहीं बीसी सर कर दिया लो। है, दिया है पर इसका कोई अलग से हाँ रूल, सर एरर्स लास्ट वाला पॉइंट है। इसका एरर सुन दिया हुआ है ये। सेकंड एग्जाम्पल चलो ठीक है, तब इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे डालते हैं। बस यहाँ पर लॉजिक समझाया क्या, लॉजिक समझाया नहीं है। चलो ठीक, मैं तभी समझा ही दूंगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, है ना। सर अब बता रहे हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन अगर आप कर रहे हो तो दोनों हो सकती हैं, ये दोनों तरीके से हो सकती हैं, सिंगुलर भी हो सकती हैं, प्लूरल भी हो सकती हैं, या तो सिंगुलर हो सकती हैं फिर प्लूरल हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल कह रहे हैं, टू टाइम्स थ्री, टू टाइम्स थ्री इज सिक्स, और फोर एंड फोर आर एट। मतलब समझे क्या, बस क्या इसका मीनिंग निकला? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मैं इसको एग्जांपल से सुन देता हूँ। इसका सब क्या निकला, इसका से निकला, बस हम बनाते हैं, टू एंड टू मिक्स होता है ना। इसका से ये निकला कि आप चेस वाले सेंटेंस में मेक लगा दो, आप चेस वाले सेंटेंस में मिक्स लगा दो, करेक्ट है, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन को, ये ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन हो गई है कि एग्जाम में टीचर दे दें, बस दे दें, मार्क्स तो बच्चे के काट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चा कुछ तो लेकर आएगा, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो ब्लैंक ही छोड़ा है। ये कुछ लकी क्वेश्चन होते हैं जो आपको इसी जगह पे, आप आई थिंक आपको अभी देखने को मिला होगा पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ, बात एक ही है, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब कुछ वर्ड आ रहे हैं फिर, कंपोजिबो, कॉम्बिनेशन वर्ड आ गया, कंजक्शन। अगर आपका वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट बेसिस सॉलिड हो, आज सिंगुलर सब्जेक्ट बेसिस सॉलिड इमीडिएटली भाई, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, नॉट लेस देन, विद, टुगेदर विद, और सिमिलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ऐसे केस में भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, आपको याद रखना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, ठीक है, नॉट लेस देन, विद, टुगेदर विद, और अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन, और अ सिमिलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिमिलर कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, सिमिलर कंस्ट्रक्शन के वर्ड नहीं है, ओके,
ऐसा कोई भी अगर वर्ड बनाया जा रहा है ना, ये सिमिलर कंस्ट्रक्शन के वर्ड नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। फिर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। द हस्बैंड एज वेल एज हिज वाइफ, हस्बैंड एज वेल एज हिज वाइफ नीड्स एज वाइफ। द कुक टुगेदर विद हिज असिस्टेंट्स वाज प्लेस्ड इन द स्टोर इन एडिशन टू द फार्म वाज फॉर द किंग विद हिज ऑल सन्स वाज इम्प्रेस्ड। कुछ नहीं, कुछ काम करने यहाँ पे, वो हेड काम की थी। अ सिमिलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय प्लूरल मॉडिफायर। हाँ ये कुछ अच्छा है काम का। अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ प्लूरल मॉडिफायर रिकर्सिव सिंगुलर है। वो कह रहा है सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन उसके आगे कुछ ऐसा लगा हुआ है, उसके आगे कुछ ऐसा लगा हुआ है, उसके आगे कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसको मॉडिफाई कर रहा है किसम प्लूरल में। यानी ऐसा लग रहा है कि उसको मॉडिफाई कर रहा है प्लूरल में। ऐसे केस में आप सिंगल वर्ब भी लगाओगे, सिंगुलर वर्ब भी लगाओगे। सर ऐसा क्या लग रहा है जो प्लूरल उसको चेंज कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस में? द एटीट्यूड ऑफ दीज में। तो एटीट्यूड तो सिंगुलर है, एटीट्यूड तो क्या सिंगुलर है, बट ऑफ दीज तो मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कंफ्यूज होना नहीं है, वो कंफ्यूज होने की करने की कोशिश कर रहा है कि प्लूरल हो, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वन सिंगुलर है लेकिन वो वन ऑफ द गर्ल्स, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लूरल है बट सिंगुलर ही है। हाँ लिस्ट, लिस्ट तो एक ही है, लिस्ट तो एक ही है। ऑफ नेम्स, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें कि बहुत सारे नाम है, तो नाम की बात ही नहीं करें हम, तो बात करें लिस्ट की। लिस्ट तो एक है ना, हम नामों की तो बात ही नहीं करें। लिखा हुआ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज अवेलेबल। हमारे पास सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट अवेलेबल है, तो आपके पास क्या अवेलेबल है? लिस्ट। तो नाम क्या है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट है ना कि नाम, तो सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर ही है ना, सब्जेक्ट तो जो लिस्ट है, लिस्ट तो एक ही है ना। तो आपको इन चीजों को देखना है कि सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है। उसके आगे एक बेशक प्लूरल मॉडिफाई लगे, आप उसको प्लूरल मत मानना, आप उसको प्लूरल मत मानना, ठीक है। एक और आता है सच इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट मतलब क्या, जिनका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई लिमिट ही ना हो, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, जो कहीं तक भी जा सकते हैं, जिसका मीनिंग कुछ भी निकाला जा सकता है। जैसे एनीबॉडी, कौन, कोई भी। एनीबॉडी मतलब कौन, कोई भी। एनीवन, कोई भी। ईच, हर एक। आइदर, कोई भी। एवरीबॉडी, सभी। नाइदर, कोई नहीं। नोबडी, कोई नहीं। नोवन, कोई नहीं। समबडी, कुछ लोग। मैनी, बहुत सारे। सभी के साथ हम सिंगुलर ही लगाते हैं, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर ही लगाते हैं। विद द सब्जेक्ट इज द, सॉरी, व्हेन द सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। द सब्जेक्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट ऑफ दैट प्रोनाउन। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो वो कह रहे हैं हम यहाँ पर वर्ब कौन सा लगाएंगे, हम वर्ब वो लगाएंगे हम वो वर्ब वो लगाएंगे जो एग्री करे किससे, किससे करे, पहले वाले प्रोनाउन से, पहले वाले और प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड से, प्रोनाउन के पहले वाले वाले सब्जेक्ट से, बेसिकली प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर प्रोनाउन ये है, इससे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, ये। यहाँ पर प्रोनाउन ये, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, इससे पहले वाला, ये। दो मिनट को चार्जिंग पे लगा लूँ जरा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर से पहले तो वर्ब लगा हुआ है, वो कैसे प्लूरल है या सिंगुलर है,
जो वर्ब लग, तो इसके बाद जो वर्ब लगाई है ना, वर्ब भी कौन सी लगाई? प्लूरल ही लगाई है, एक्ट के साथ एस ई एस नहीं लगाया, एस ई एस नहीं लगाया यहाँ पर। वर्ब कैसी है? वो ध्यान रखना है, 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 ध्यान रखना है। सर देखते हैं, ट्राई करो। आई थिंक मैंने सुपाया ना, सुपाया ना। हो गया, सेकंड वाले को बताओ क्या है। ठीक अरे बॉस, है, सेवेंथ का सेवेंथ का डिजर्व, डिजर्व या डिजर्व्स? डिजर्व ये क्यों? हमने पढ़ा था, अगर गन कहीं पर दिया होता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं। हाँ, और सिमिलर वर्ब कौन से होते हैं? इसमें एस ई एस लगा होता है, इसमें एस एस नहीं होता। नहीं होता था। अभी कंफ्यूज हो रहे हो, देखो मैं आपको लिखवा दूंगी, आपको लिख लो। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देखो मेरे पर लिखा हुआ है, आई थिंक मैं दिखाऊँ जरा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो, है ना, ये वाला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब में एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रूल आता है एस ई एस कब आता है, एस ई एस कब आता है, एस ई एस कब आता है? तो एस ई एस या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। कब आएगा ये? तो ये आएगा जब हमारा सर नाउन क्या, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या हो हमारा? सिंगुलर। और कब एस ई एस नहीं आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। तो नोट को लेकर आप कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो वहां पर डिजर्व किया, डिजर्व आएगा, क्या आएगा? डिजर्व की जगह डिजर्व है ना। डिपेंड करेगा। हाँ, कहाँ गए, कहाँ गए, मैंने दिया। तो यहाँ पर वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस एस लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म में एस एस ये है, यानी ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और कहाँ है हमारा टेंथ वाला? तो कोई सा भी लगा दो, दोनों सही है, ठीक है। इलेवेंथ वाला? ठीक लेवल वाला इस है। ट्वेल्थ वाला? ट्वेल्थ चाहिए। दोनों ठीक है। नंबर, नंबर वाले, कैलकुलेशन वाले नाम क्या लगाएंगे? मैथमेटिकल कैलकुलेशन नाम क्या लगाएंगे? दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब आते हैं कलेक्टिव नाउंस के ऊपर। तो ये तो याद रखने की जरूरत है नहीं, तो नाउन जब पढ़ा होगा तब इसने पढ़ा होगा। कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको सिंगुलर ही माना जाता है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी, है ना। व्हेन द क्लास इट नेम से जो कंसीडर्ड है वो ही मीन्स फॉर अस, है ना।
क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज हो रही है, जो वैन लिखा ना वैन, ये वैन से थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। वो कह रहा है अगर हम सबों की, हम पूरे क्लास की बात, क्लास मतलब ग्रुप की बात, अगर हम ग्रुप को क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन जब आप क्लास को क्या मानते हो, आप मानते हो ग्रुप के अंदर के जो लोग हैं ना, सभी को आप इंडिविजुअली ट्रीट करना चाह रहे हो, सभी के बारे में इंडिविजुअली बताना चाह रहे हो इंडिविजुअली, तो ऐसे केस में प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे केस में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। मतलब क्या है, मैं आपको पहले सेंटेंस समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। द जूरी इज फाइनली कम्प्लीट, द जूरी इज फाइनली कम्प्लीट। जूरी मतलब पता है क्या होता है, मतलब एक तरीके से सर जो जज के अंदर, मतलब सर एक पैनल होता है जिसके अंदर मतलब लोग बैठते हैं, जिसको जूरी, एक ग्रुप ऑफ जजेस बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्या बोल सकते हैं, जजेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सिंपल से ग्रुप की, यहाँ पर हम सिंपल से बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ ना इज इज, तो हम बात करें कि जो ग्रुप है ना, ग्रुप वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा मेन जो फोकस है वो उस ग्रुप के अंदर के इंडिविजुअल जज के ऊपर ऊपर फोकस है नहीं, बोल सकते हैं ग्रुप इज कम्प्लीट, ग्रुप इज फाइनली कम्प्लीट। अब ग्रुप हमारा कम्प्लीट हो गया, तो यहाँ पे तो हमारा जो मेन फंक्शन आ रहा है वो ग्रुप पर आ रहा है, एक सिंगल यूनिट पर, एक सिंगल यूनिट पर। लेकिन एक सेक्शन, एक सेंटेंस लगा हुआ है, द जूरी फॉर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी अपने अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है। इसका मतलब पता है क्या है, कि जूरी के अंदर के जो लोग हैं यानी उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट ओपिनियन है, वो सब अलग अलग क्या रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं। यानी यहाँ पर ग्रुप की बातें नहीं की जा रही, और यहाँ पर जो मेन फोकस किया जा रहा है ग्रुप के अंदर के जो कॉम्पोनेंट है ना उनकी बात की जा रही है, वो सब ही क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से ये वर्ब तो आपको ब्लैंक दे दिया, ये तो आपको ब्लैंक दे दिया, आपको ये वर्ड दिया होगा, आपको इसे पहचानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इट दिया हो, हिज दिया हो, तो समझ जाना सिंगल है, तो क्या है सिंगुलर है। लेकिन देयर दिया हो इसके अंदर प्लूरल है, क्या है ये प्लूरल, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा। ठीक है, द फैमिली होल्ड्स अ एनुअल गैदरिंग, यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं साल में एक बार। यहाँ पे कह रहे हैं हाँ, एक सिंगल यूनिट पे कह रहे हैं एक बार, कि पूरे साल में एक बार परिवार इकट्ठा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर लिखा जाए फैमिली हैव नेवर बीन एबल टू एग्री ऑन अ सिंगल इशू, फैमिली कभी भी सिंगल इशू पर कभी एग्री ही नहीं हुई। यानी इसका मतलब है कि फैमिली के अंदर जो लोग हैं ना, जो कॉम्पोनेंट है, सब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप के अंदर के कॉम्पोनेंट के ऊपर फोकस जा रहे हैं, तो ये वाला तो मैं बोलूँगी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ याद नहीं कर सकते, यहाँ पर चीज़ याद नहीं कर सकते, यहाँ पर सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है प्लूरल नंबर्स टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड इन अ प्लेस टू इंडिकेट अ सम और अ यूनिट। ये आपको ध्यान रखना, ये मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं नंबर वाले, कोई सीजन नंबर वाले, ठीक है ठीक है। और हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं फ्रेज में, एज अ फ्रेज हम उसको यूज कर रहे हैं, फ्रेज मतलब वो सिंगल वर्ड है, और भी चीजें हैं। ठीक है, अब हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू इंडिकेट अ सम, एक अमाउंट बताने के लिए या फिर किसी एक यूनिट को बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो हम नंबर्स को भी ना सिंगल ही मारेंगे, हम उन नंबरों को सिंगुलर ही मानेंगे। यानी कि मैं लिखा 10 लैक्स, तो 10 लैक्स का 10 लैक्स आर लिखो, नहीं 10 लैक्स रुपीज अगर लिखा हो तो 10 लैक्स रुपीज का मतलब क्या है, हम एक ही सिंगल अमाउंट की बात कर रहे हैं तो हमको सिंगुलर ही मानेंगे। ठीक है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स आर नहीं, 10 ईयर्स इस, हम एक लंबे पीरियड की बात कर रहे हैं, हम एक यूनिट बता रहे हैं, एक पीरियड है उसकी यूनिट क्या है 10 ईयर्स। ठीक है, तो हम उनको क्या मानेंगे, सिंगुलर ही मानते हैं। नंबर्स के साथ हम क्या लगाएंगे, अगर नंबर्स को एज अ यूनिट या फिर एज अ सम किया गया है तो हमको क्या मानेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे। ठीक है, कुछ नाउंस है जो मैं आपको ऐड करा रहा हूँ, जैसे न्यूज है, शब्दों के लास्ट में आपको लग रहा है कि एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर ही है। स्टेटस एक सब्जेक्ट का नाम है, आपको लग रहा है कि ये एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, पर ये सिंगुलर ही है। एक और वर्ड होता है फिजिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिक्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते प्लूरल फॉर्म में, जो लगते कैसे हैं प्लूरल फॉर्म में, जो लगते कैसे हैं प्लूरल फॉर्म में, बट वो होते क्या है सिंगुलर, बट वो होते क्या है सिंगुलर। जैसे कि ये कुछ वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिक्स, न्यूज, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, वेयर अबाउट,
ठीक है, तो इन सब के आगे आपको सिंगल वर्ब भी लगानी है। इनका नेचर, इनका मतलब ये वर्ड बने ही ऐसे कि इनके नाम के आगे एस आता है, बड़े सिंगुलर हैं। एरर वाले बाद, एरर वाले खत्म ही करते हैं, फिर उसके बाद ही देखते हैं। देयर इज एन एरोनियस टेंडेंसी अमंग द स्टूडेंट्स टू मेक द वर्ब एज इफ द नाउन नियर इट, है ना। मतलब कह रहा है जनरली लोगों की टेंडेंसी क्या रहती है, लोगों की टेंडेंसी रहती है, लोगों की आदत बन जाती है। टेंडेंसी मतलब समझना, आदत। टेंडेंसी मतलब क्या, एक तरह से आदत। लोगों की आदत बन जाती है कि वो सब्जेक्ट को पता कैसे देखते हैं, कि जो वर्ब के पास वाले जो वर्ड है ना वही सब्जेक्ट है, तो वर्ब को ना उसके पास वाले वर्ड से मैच कराने की कोशिश करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता, मैं बोलूं इन द कोर्ट ऑफ अ किंग, इन द कोर्ट ऑफ अ किंग मैनी पीपल केम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तो लोग कभी कभी तो लोग ये बोलते हैं इन दी कोर्ट, कि कोर्ट हमारा क्या सब्जेक्ट है, बस वाले यहाँ पे मैनी कोर्ट है नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे मैनी पीपल था। अगर मैं सभी सेंटेंस को घुमा के मैनी पीपल इन दी कोर्ट ऑफ किंग, इन दी कोर्ट ऑफ अ किंग केम, तो यहाँ पे लोग सब बोल देंगे कि कोर्ट सब्जेक्ट है, कोई बोलेगा किंग सब्जेक्ट है, कोई बोल देगा मैनी पीपल सब्जेक्ट है, यानी लोगों का कोई प्रॉपर रूल नहीं होता। तो यहाँ पे उनका कहने का फोकस है कि लोग इस चीज़ों में गलती कर देते हैं। यहाँ पर तो वो केवल ये कह रहे हैं कि लोग केवल वर्ब के पास वाला वर्ड सब्जेक्ट मानते हैं, पर मैंने आपको बता दिया कि वो कुछ भी मान सकते हैं, जिनके रूल्स थोड़े कच्चे होते हैं वो कुछ भी मान लेते हैं। तो वो कह रहा है ऐसा नहीं है, आपको वर्ब को एग्री कराना पड़ेगा किसके साथ, एक प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ, यानी आपको प्रॉपर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और प्रॉपर सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ट्रिक है। अगर लिविंग सब्जेक्ट होगा तो आपको हु से मिलेगा, अगर आपको नॉन लिविंग सब्जेक्ट तो वो आपको व्हाट से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ द शूज इज नॉट अप टू मार्क, क्या चीज बिल्कुल सही नहीं है, क्या चीज, शूज सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, क्वालिटी। क्वालिटी तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्वालिटी है ना कि शूज, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगी ना कि शूज के अकॉर्डिंग। अगर कोई शूज के अकॉर्डिंग लगाता तो यहाँ पे क्या लगाता, आर, क्योंकि नहीं सर, तो हो उसको हम जाता। एक ही मान के चलते हाँ शूज को अब यहाँ पे मान सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको वाला पेयर आ गया, यहाँ तो ये बिल्कुल इन्होंने एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन दे दी। बढ़ गया पर कुछ और होता तो क्वालिटी ऑफ बुक से लिख लेते तो गलत कर देता इंसान, है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सब्जेक्ट पता करना, नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, याद कर लेना, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैज राइजन कंसिडरेबली, जो एसेंशियल जो सामान होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। किसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, सामानों, वो क्या चीज़ बढ़ चुकी है, क्या चीज़ बढ़ चुकी है, सामान बढ़ चुके हैं या फिर कॉस्ट बढ़ चुकी है। कॉस्ट व्हाट हैज राइजन, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट तो सिंगुलर है ना। हाँ अगर कोई कमोडिटी समझता तो यहाँ पे क्या लगा देता, हैव लगा देता, जो कि गलत हो जाता है। तो उनको प्रॉपर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, नॉट ओनली हिज क्लोथ बट ऑल्सो हिज अपीयरेंस। तो ये बट वाले हमने ऊपर रूल्स पढ़े थे, ये उससे मिलता जुलता है, इन्होंने यहाँ पे डाल दिया कि बट अगर कहीं पर आ रहे तो उनको उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे, ऐसा कुछ हमने ऊपर पढ़ा था, ध्यान होता। तो अभी जो रिमेनिंग है आप इनके भी आंसर का मुझे बताओ। सर पहले वाले में आ रहेगा सर, क्यों, क्योंकि दो मिस्टेक, अलग अलग मिस्टेक की बात कर रहे आपको देर नहीं लगेगा कि देर के साथ ही जाएगा, आपको देना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को मिस्टेक से आपको क्या, आपको मिस्टेक से अकॉर्डिंग आ जाएगा। सर। और सर नीदर ऑफ ब्रदर हैज एनी कार, यहाँ पे सिंगल ही आएगा, ठीक है। और 50,000 रुपीज इज आई बिग सम, ठीक है। एट्थ वाला, विच ऑफ दीज बुक्स आर योर, ऑफ दीज बुक्स आर आर ये वाला रूल हमने पढ़ा नहीं है ना, थोड़ा सा लॉजिकल, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपका एरर वाले में से आता है, विच ऑफ दीज बुक्स, इनमें से कौन सी बुक्स तुम्हारी है। तो जनरली जब हम पूछते हैं ना, सब हम पूछते हैं कौन सी एक किताब तुम्हारी है, ये नहीं पूछो कौन कौन से किताब तुम्हारी है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा सिंगुलर ही आएगा, ऐसे केस में हमारी जो वर्ब आएगी ना सिंगुलर ही आएगी। आप उसको भी याद कर लो, इसे थोड़ा थोड़ा अजम्पशन मिक्स है कि हम जो भी पूछते हैं ना क्वेश्चन, तुम सभी के लिए नहीं पूछते, तुम क्वेश्चन पूछते इनमें से कौन सी एक किताब तुम्हारी है, इनमें से कौन सी किताब तुम्हारी है, विच ऑफ दिस बुक, इनमें से कौन सी किताब तुम्हारी, तो आंसर आपका एक ही होना चाहिए। तो उसका उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, सर तो इसके अंदर हम ऐसे नहीं पूछ सकते इनमें से कौन कौन सी बुक। हाँ ये तो दिक्कत है, हम इंग्लिश में ऐसे पूछते ही नहीं है,
हम इम्प्लाइड मान के रखते हैं, जो हम सेंटेंस पूछते हैं ना, इनमें से कौन सी तो तुम्हारी, हाँ सामने वाला आंसर दे सकता है, ये मेरी है, वो मेरी है, वो तुम्हारी है, वो उसकी है ना, ये वाली मेरी, वो भी मेरी, ये भी मेरी, वो भी मेरी, लेकिन क्वेश्चन वैसे नहीं पूछते कौन कौन सी तुम्हारी है, हम क्वेश्चन ये पूछते हैं कौन सी तुम्हारी है, कौन कौन सी नहीं। इंग्लिश में एक वर्ड कभी भी दो बार रिपीट करके नहीं लिखा जाता। मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो किसको वेरी वेरी मच हैप्पी लिखते हैं, वेरी मच हैप्पी लिखते हो केवल, वेरी तो एक ही बार वेरी लगाते ना, बहुत बहुत को वेरी वेरी थोड़ी लिखते हैं। तो इंग्लिश में ऐसा रूल है कि हम इसको रिपीट करके नहीं लिखते हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते भी नहीं है। इसके मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, एक एक्सरसाइज देखो है ना, मैं बोल रहा हूँ आप सुनते जाना, ठीक है? हाँ या फिर रुको मैं एक बार चेक करूँ गूगल पे मुझे मिल जाए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ अभी। हाँ जी सर।